साल 2019 में कैफे कॉफी डे पर 7000 करोड़ रुपए का कर्जा था और उसी के चलते कंपनी के मालिक वीजी सिद्धार्थ ने आत्महत्या तक कर ली थी, जिसके बाद उनकी पत्नी मालविका हेगड़े को कंपनी की जिम्मेदारी लेनी पड़ी थी। लेकिन तब मालविका के सामने कई चुनौतियां थी, जहां एक ओर पति की मौत के दुख से उबर कर अपने परिवार को संभालना था, वहीं दूसरी ओर अपनी कंपनी के कर्ज को चुकाकर कंपनी में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों की नौकरियों को भी बचाना था। ऐसे मुश्किल हालात में कोई भी इंसान टूट जाता, लेकिन मालविका टूटी नहीं बल्कि खुद को मजबूत किया और सिर्फ 3 साल के अंदर अपनी कंपनी के 7000 करोड़ रुपए के कर्ज में से 5221 करोड़ रुपए के कर्ज को अपने दम पर उतार दिया। गाइस, इसे सुनकर आज अपने आप से आप कहो कि मैं गिरूंगा लेकिन टूटूंगा नहीं। आई विल नेवर क्विट।